डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम पांच चीज़ें सीखेंगे। नंबर वन, पार्ट डिफरेंस क्या होता है, फेज डिफरेंस क्या होता है। फिर इसके बाद रिलेशन बिटवीन पार्ट डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस देखेंगे क्या है, इन फेज पॉइंट्स और आउट ऑफ फेज पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस में एक्चुअली फ़र्क क्या होता है, इसको देखते हैं। पार्ट डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ अ वेव। कि सपोज अगर ये मेरे पास एक वेव है और इस पे मैंने कुछ पॉइंट्स कंसिडर किए हुए हैं ए बी सी एंड डी, तो कोर्स दो पॉइंट्स के दरमियान जो फासला होगा उसे मैं इन दो पॉइंट्स का पार्ट डिफरेंस कहूँगा। मिसाल के तौर पे अगर पॉइंट ए और बी की बात करें तो ये दोनों पॉइंट्स जो हैं क्रस्ट पे हैं और दो कंसेक्टिव क्रस्ट के दरमियान जो फासला होता है उसे हम लैम्डा कंसिडर करते हैं। इस तरह अगर पॉइंट सी और डी की बात करें तो ये दो ट्रफ्स हैं, तो दो कंसेक्टिव ट्रफ्स के दरमियान जो फासला होता है वो भी लैम्डा होता है। तो लिहाजा पॉइंट ए और बी के दरमियान पार डिफरेंस लैम्डा है, इस तरह पॉइंट सी और डी के दरमियान भी लैम्डा है। अब अगर मैं पॉइंट ए और सी की बात करूं तो पॉइंट सी क्योंकि ए और बी के मिड में है, अगर ए और बी के दरमियान पार डिफरेंस लैम्डा है तो ए और सी के दरमियान पार डिफरेंस जो होगा वो लैम्डा बाय टू होगा। अब पार्ट डिफरेंस को हम, ये तो था कि अगर हम ए की वेव कंसिडर करें और उसके ऊपर जो पॉइंट्स हैं उनके दरमियान जो फासला होता है उसे हम उस वेव के पॉइंट्स का पार्ट डिफरेंस कहते हैं। लेकिन अगर हम दो वेव्स को कंसिडर करें कि मसलन के, तो फिर हम पार्ट डिफरेंस को ऐसे डिफाइन करते हैं, द डिफरेंस बिटवीन पाथ लेंथ्स ऑफ टू वेव्स। मिसाल के तौर पर अगर एक वेव जो है पॉइंट ए से पी तक पहुँचती है और दूसरी जो वेव है वो पॉइंट बी से पी तक पहुंचती है, तो ऑब्वियसली जो नीचे वाली रे है बी पी उसने ए पी के मुकाबले में एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है और जो बी पी का एक्स्ट्रा डिस्टेंस है वो बी सी है, तो बी सी वो एक्स्ट्रा पाथ है जो नीचे वाली रे ने ट्रेवल किया हुआ है। तो लिहाजा ये जो बी सी है ये पाथ डिफरेंस है इन दोनों वेव्स का। तो सो यहाँ से आपने ये सीखा कि जो पार्ट डिफरेंस होता है वो एक ही वेव के ऊपर दो पॉइंट्स के दरमियान भी हो सकता है या दो डिफरेंट वेव्स के दरमियान पाथ लेंथ्स के डिफरेंस को भी कहते हैं। पार्ट डिफरेंस को हमेशा इन टर्म्स ऑफ लैम्डा हम मेजर करते हैं और इसका ऐसा यूनिट मीटर है। अब बात करते हैं फेज डिफरेंस की। तो फेज डिफरेंस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम कंसिडर करते हैं एक साइन वेव को। अगर मैं एक साइन वेव को प्लॉट करता हूँ उसकी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट एक्स और थीटा के दरमियान, ठीक है, तो ये इस तरह का ग्राफ आता है। अभी जो वैल्यू ऑफ थीटा है, थीटा किसी भी पॉइंट पे जो थीटा की वैल्यू है, जैसे पॉइंट ए पे थीटा की वैल्यू जीरो है, पॉइंट बी पे थीटा की वैल्यू पाई बाय टू है, पॉइंट सी पे थीटा की वैल्यू पाई है एंड पॉइंट डी पे थ्री पाई बाय टू है एंड सो ऑन, तो किसी भी पॉइंट पे जो थीटा की वैल्यू है इस वैल्यू को हम फेज कहते हैं। अब अगर आप कोई से दो पॉइंट्स कंसीडर कर लो जैसे बी और एफ, तो पॉइंट एफ पे फेज है 5 पाई बाय 2, पॉइंट बी पे फेज है पाई बाय 2। तो अगर मैं क्या करूं, इन दोनों पॉइंट्स के फेज वैल्यू का डिफरेंस ले लूं, मतलब 5 पाई बाय 2 में से पाई बाय 2 को माइनस कर दूं, तो ये आ जाएगा 4 पाई बाय 2, जिसे हम, जो कि 2 पाई के इक्वल होता है, इसे हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इनका फेज डिफरेंस होगा। तो लिहाजा इस तरह अगर मैं पॉइंट बी और डी की बात करूं तो पॉइंट डी का फेज है 3 पाई बाय 2 और पॉइंट बी का फेज है पाई बाय 2, तो 3 पाई बाय 2 में से पाई बाय 2 माइनस करो तो ये 2 पाई बाय 2 आता है जो कि पाई के इक्वल होता है। तो लिहाजा पॉइंट बी और डी के दरमियान फेज डिफरेंस जो है वो पाई है। तो फेज डिफरेंस क्या होता है कि कोई से एक वेव के ऊपर दो पॉइंट्स पे जो फेज की वैल्यू होती है उनके डिफरेंस को कहते हैं। तो लिहाजा हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि फेज डिफरेंस जिसे हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या होता है जी, फेज डिफरेंस इज द डिफरेंस इन फेज एंगल्स बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ अ वेव। कि एक ही वेव के ऊपर अगर आप दो पॉइंट्स लेते हो तो उनके फेज एंगल्स के दरमियान जो डिफरेंस होता है या उनकी जो फेज वैल्यूज होती हैं उनके दरमियान जो डिफरेंस होता है उसे हम फेज डिफरेंस कहते हैं। तो ये जी डिफरेंस है जी फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस का। पार्ट डिफरेंस में क्या होता है, दो पॉइंट्स के दरमियान आप डिस्टेंस ले लेते हो। फेज डिफरेंस में आप क्या करते हो कि दो पॉइंट्स के फेज वैल्यूज का डिफरेंस ले लेते हो। अब फेज डिफरेंस को हम इन टर्म्स ऑफ पाई मेजर करते हैं और इसका एसआई यूनिट रेडियन होता है। रिलेशन बिटवीन पार्ट डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस, अब हम
इस तीसरे पॉइंट में हम ये सीखेंगे कि अब हम इनमें क्या रिलेशन होता है जी पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस में, कि सपोज अगर आपको पार्ट डिफरेंस गिवन हो तो आप कैसे फेज डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, या फेज डिफरेंस गिवन हो तो कैसे पार्ट डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। अब सपोज ये मेरे पास वेव है, जैसे कि आपने देखा कि पॉइंट बी और एफ को अगर हम कंसिडर करें तो इनके दरमियान पार्ट डिफरेंस लेमडा होता है और फेज डिफरेंस 2 पाई होता है। सपोज अगर मैं फेज डिफरेंस को फाई से कंसिडर करूं और पार्ट डिफरेंस को एक्स से, तो बी और एफ के दरमियान एक्स लेमडा हो जाएगा और फाई 2 पाई हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं पॉइंट बी और डी की बात करूँ तो इनके दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो पाई होगा और जो पार्ट डिफरेंस है वो लेमडा बाय 2 होगा। तो अब अगर आप बी और एफ को कंसिडर करें तो याद रखिएगा कि कोई से दो पॉइंट्स के दरमियान, जैसे कि मैं बी और एफ को कंसिडर करता हूँ, तो इनके दरमियान जो भी फेज डिफरेंस है उसको मैं 2 पाई से डिवाइड कर दूं और जो पार्ट डिफरेंस है उसको मैं लेमडा से डिवाइड कर दूं, तो ये रेशियो हमेशा सेम रहती है। मसलन जैसे कि यहाँ पे ये जो पार्ट डिफरेंस है ये 2 पाई है, इस 2 पाई को अगर सॉरी फेज डिफरेंस 2 पाई है तो फेज डिफरेंस को मैं 2 पाई से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 1। इस तरह बी और एफ के दरमियान पार्ट डिफरेंस लेमडा है, और अगर मैं लेमडा को लेमडा पे डिवाइड कर दूं, यानी पार्ट डिफरेंस को लेमडा पे डिवाइड कर दूं, तो भी आंसर क्या आएगा 1। तो लिहाजा फेज डिफरेंस कोई से दो पॉइंट के दरमियान फेज डिफरेंस को 2 पाई पे डिवाइड करो और पार्ट डिफरेंस को लेमडा पे डिवाइड करो, तो ये रेशो हमेशा सेम रहती है। इसी तरह अगर मैं इधर कंसिडर करूँ, ये पार्ट डिफरेंस जो बी और डी के दरमियान है ये लेमडा बाई 2 है, अब अगर मैं लेमडा बाई 2 को लेमडा पे डिवाइड कर दूं तो ये आंसर 1/2 आएगा, और अगर जो मेरे पास इनमें फेज डिफरेंस पाई है इसको मैं 2 पाई पे डिवाइड कर दूं तो पाई ओवर 2 पाई जो होता है ये भी 1/2 आ जाएगा। तो सो ये चीज़ कंफर्म होगी कि कोई से दो पॉइंट के दरमियान फेज डिफरेंस को 2 पाई पे डिवाइड कर दो और पार्ट डिफरेंस को लेमडा पे डिवाइड कर दो, तो ये रेशो सेम रहती है। अब अगर हम फेज डिफरेंस को फाई से रिप्रेजेंट करें और पार डिफरेंस को एक्स, तो इस फार्मूला को हम ऐसे लिख सकते हैं फाई ओवर 2 पाई इज इक्वल टू एक्स ओवर लैम्डा। अब ये 2 पाई इधर डिवाइड हो रहा है तो उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये फाई इक्वल टू 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा आ गया। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया पार डिफरेंस और फेज डिफरेंस का। इसमें अगर एक्स यानी कि पार डिफरेंस पता हो तो हम फाई फेज डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, और अगर फेज डिफरेंस फाई पता हो तो एक्स फाइंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं इन फेज पॉइंट्स की। ऐसे पॉइंट्स वेव्स के ऊपर द पॉइंट्स ऑन अ वेव विच हैव पार डिफरेंस लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, यानी कि ऐसे पॉइंट्स वेव के ऊपर जिनमें पार डिफरेंस लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा एंड सो ऑन हो, वो इन फेज पॉइंट्स कहलाते हैं, और इन पॉइंट्स में फेज डिफरेंस जो होगा वो 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई, यानी कि इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होगा। तो सो एक वेव के ऊपर इन फेज पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जिनमें पार डिफरेंस लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा हो, या फेज डिफरेंस 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई एंड सो ऑन हो। अब अगर हम इस वेव की बात करें तो पॉइंट ए की मैं बात करूं तो पॉइंट ए और ए वन में जो पार डिफरेंस होगा वो होगा लेमडा और फेज डिफरेंस होगा 2 पाई। इस तरह मैं पॉइंट सी और सी डैश सी वन की बात करूं तो इनमें भी पार डिफरेंस लेमडा और फेज डिफरेंस 2 पाई होगा। पॉइंट डी और डी वन की मैं बात करूं तो इनमें भी पार डिफरेंस लेमडा और फेज डिफरेंस 2 पाई होगा, और पॉइंट बी और बी वन की बात करूं तो सेम इनमें भी पार डिफरेंस लेमडा और फेज डिफरेंस 2 पाई होगा। तो लिहाजा पॉइंट ए और ए वन, पॉइंट सी और सी वन, पॉइंट डी और डी वन, पॉइंट बी और बी वन, ये आपस में इन फेज पॉइंट्स होंगे। अभी जो इन फेज पॉइंट्स होते हैं इनकी किसी भी टाइम पे जो वेलोसिटी होती है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होती है, वो सेम होती है। कि मिसाल के तौर पे पॉइंट ए और ए वन इकट्ठे क्रस्ट पे पहुंचेंगे, सेम टाइम पे मेन पोजीशन पे होंगे, और सेम टाइम पे जो है वो दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे होंगे। इसी तरह पॉइंट बी और बी वन की मोशन को अगर आप कंसिडर करें तो ये पॉइंट्स हमेशा सेम स्टेट ऑफ मोशन में होंगे, यानी सेम टाइम पे क्रस्ट पे होंगे, सेम टाइम पे ट्रफ पे होंगे, और सेम टाइम पे इक्विलिब्रियम पोजीशन से गुजरेंगे। और तो ऐसे पॉइंट्स जो कि सेम स्टेट ऑफ मोशन में, उनकी मैग्नीट्यूड भी वेलोसिटी का सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो हर टाइम पे, तो इनको हम इन फेज पॉइंट्स कहते हैं। द इन फेज पॉइंट्स आर ए ए डैश, बी बी डैश, सी सी डैश एंड डी डी डैश। नेक्स्ट है आउट ऑफ फेज पॉइंट्स।
ऐसे पॉइंट्स वेव के ऊपर जिनमें पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई टू, थ्री लैम्डा बाई टू, फाइव लैम्डा बाई टू हो, या यानी कि ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई टू हो, या इनमें जो फेज डिफरेंस है वो पाई, थ्री पाई, फाइव पाई, यानी कि ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हो, तो ऐसे पॉइंट्स को हम आउट ऑफ फेज पॉइंट्स कहते हैं। अब अगर आप इस वेव को कंसिडर करो तो पॉइंट ए और ए वन आपस में इन फेज हैं, पॉइंट बी और बी वन बी आपस में इन फेज हैं, बट ए और बी जो हैं ये आपस में आउट ऑफ फेज पॉइंट्स कहलाएंगे क्योंकि इनमें पार डिफरेंस लैम्डा बाई टू है। इस तरह ए और बी वन इसमें पार डिफरेंस जो है वो थ्री लैम्डा बाई टू है और फेज डिफरेंस थ्री पाई है। तो ऐसे पॉइंट जैसे कि ए और बी, ए और बी वन, या ए वन और बी, ए वन और बी वन, ये आउट ऑफ फेज पॉइंट्स होते हैं। आउट ऑफ फेज पॉइंट्स की ये निशानी होती है कि एक पॉइंट जब क्रस्ट पे होगा तो दूसरा पॉइंट ट्रफ पे होगा। अब इन में भी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी तो सेम होता है पर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इनकी हर पॉइंट लम्हे अपोजिट होती है। अब ए और बी को अगर आप मोशन को कंसिडर करें, जब ए क्रस्ट पे है तो बी किधर होगा, ट्रफ पे। जैसे ही ए मीन पोजिशन की तरफ मूव करेगा बी भी मीन पोजिशन की तरफ मूव करेगा, सेम टाइम पे ये मीन पोजीशन पे पहुंचेंगे, लेकिन जब ए फिर जब ट्रफ बन पे आएगा तो बी किधर चला जाएगा, क्रस्ट पे चला जाएगा। यानी कि इनमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी तो सेम होता है पर इनकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हमेशा अपोजिट होती है। तो लिहाजा द आउट ऑफ फेज पॉइंट आर सी डी, सी डी, सी और डी आउट ऑफ फेज है, इस तरह सी डी डैश आउट ऑफ फेज है, ए और बी आउट ऑफ फेज है, एंड सो ऑन। Thank you very much.